हेलो दोस्तों, आज हमारे पास जीप रेंगलर है। इसका फॉल्ट है कि इसका जो एयर कंडीशन है, इसका हवा सामने से नहीं आ रहा है, पूरा ऊपर ग्लास की तरफ आ रहा है। जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो इसका जो एयर है वो सामने नहीं आ रहा है। तो अभी हम इसको चेक करेंगे, डायग्नोज करेंगे कि क्या प्रॉब्लम। तो दोस्तों, इसका जो कॉमन फेलियर आता है वो आता है वैक्यूम पाइप। इसका वैक्यूम पाइप ज़्यादातर लीक हो जाता है। तो इसका जो ज़्यादातर वैक्यूम पाइप लीक हो जाता है, इस ग्लास के ऊपर पूरा हवा आ रहा है, अभी इसी का सामने नहीं आ रहा। तो वो पाइप डाल जाता है, कभी टूट जाता है। तो अभी हम इसको चेक करेंगे। तो हमने कौन सा पाइप चेक करना है? ये एसी का जो पाइप है, जो आपके ऑपरेटर का अंदर गया है, यहाँ पे एक हवा का छोटा सा पाइप आता है जो इनटेक से वैक्यूम लेता है और इसका पूरा सिस्टम ऑन होता है। फोर्ड गाड़ी हो गया, अमेरिकन गाड़ी हो गया, इसमें मसला आता है। यहाँ पे ये क्रैक हो गया था, टूट गया था। अभी हम इसमें नया कनेक्शन करेंगे। तो ये पाइप यहाँ इनटेक से आता है सीधा, इसको अपने चेक करना है इसका वैक्यूम। कभी भी अमेरिकन गाड़ी है तो आपने ये हवा का बारीक वाला पाइप चेक करना है। तो हमारा फॉल्ट यहीं पे था, ये पाइप टूट गया था। अभी हम इसमें नया पाइप लगाएंगे। तो ये पाइप अंदर की तरफ गया हुआ है। यहाँ से हमने इसका ये बॉक्स खोल दिया है। ये पाइप तो इसको वैक्यूम नहीं मिल रहा है। जब इसको वैक्यूम नहीं मिलेगा तो एसी का जो ब्लोअर फैन है वो काम नहीं करेगा। ब्लोअर फैन काम करेगा लेकिन उसमें हवा सामने से नहीं आएगा, उसका डोर काम नहीं करेगा। तो ये कनेक्शन हमने बना दिया, इसको मेन फॉल्ट पता ना था। वीडियो का मकसद ये है, इसका मेन फॉल्ट यहाँ से मैंने कनेक्शन कर दिया। हम ये कनेक्शन दे दिया है, अब इसको चेक करते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। बिल्कुल सही हवा आ रहा है। तो यही मामूली सा फॉल्ट था।